अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू एंड लॉन्ग व्लॉग। आज मैं इसकी जगह जो है ना इंट्रो कर रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि मुझे छोटा सा व्लागर समझो, क्योंकि मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है इसके बारे में। तो मैंने इसको बताना था कि आपने स्टार्टिंग कैसे करना है और कैसे आपने ऑडियंस जो है ना वो अट्रैक्ट करने है, ताकि लोग आपके वीडियो देखे और रुक जाए। तो हे गाइस, आज जो है आसमान नीला था, बादल छाए हुए थे और दोपहर के 3 बज रहे थे। तो मैंने सोचा चले बाहर चलते हैं, घूमते हैं, मज़े करते हैं, आप लोगों के लिए वीडियो भी बना लेते हैं। लेकिन आप लोग जो है ना हमें सपोर्ट नहीं करते, फॉलो नहीं करते, लाइक नहीं करते, तो हमारी एनर्जी इतनी नहीं होती कि मैं वीडियो बना सकूँ। तो मैंने अपना गोप्रो लिया, बाइक लिया, बाइक सेट किया, उसके बाद मैं निकल पड़ा यूनिवर्सिटी की जो फार्म है वहाँ पर लोग स्टूडेंट जो हैं रिसर्च के लिए जाते हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ पल होते हैं वगैरह वगैरह, वो मैं आप लोगों को आज दिखाऊंगा। तो मैंने जाना था हॉस्टल, वहाँ पे दोस्तों को पिक करना था और उसके बाद मैं जा रहा था यूनिवर्सिटी। तो मैं यूनिवर्सिटी पहुँच चुका हूँ, उसके बाद हॉस्टल आ गया, हॉस्टल में दोस्तों को पिक किया और उसके बाद निकल पड़ा यूनिवर्सिटी के जो फॉर्म है। तो दानियाल खान और लुकमान खान मेरे साथ हैं, लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, असर का वक्त है, लोग वर्जिश कर रहे हैं। तो आज हम आए हैं कहाँ पर, आए यूनिवर्सिटी फील्ड में। ये है यूनिवर्सिटी फील्ड, जो कि ये बहुत ज़्यादा एकड़ पर बनी हुई, आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि मैं गेस कर सकूँगा। यहाँ पर हर फील्ड की अपनी एक रिसर्च सेंटर होती है, जैसे कि आप लोगों लोग देख सकते हो वहाँ पर सोर ऑरेंज लगी हुई है, बहुत सारे ओलिव लगे हुए हैं। ये ज़मीन भी आप लोग देख सकते हो कि बहुत सारा बड़ा फील्ड है और व्यू जो है ना वो कमाल का आ रहा है। तो मैं आप लोगों को आज इस पेज का जो है ना एडमिन दिखाना चाहता हूँ। तो लुकमान खान ने एंट्री करी और ये जो है आप देख सकते हैं, ये हनी जो मैंने बताया था, हनी यहाँ पे हनी बनती है, हनी के डिपार्टमेंट है। और स्टूडेंट जो है ये इसलिए नहीं बनते कि हम इस पे बिज़नेस करें वगैरह वगैरह, लेकिन यहाँ पे रिसर्च होती है, स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं, रिसर्च करते हैं और ये एक लंबा रास्ता जाते हैं, लोग यहाँ पर वर्जिश करते हैं और इंजॉय करते हैं। ये फार्म्स हैं यूनिवर्सिटी के, यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के पल होते हैं। यहाँ पे लुकमान खान अपना iPhone 14 निकाल के अपना ही व्लॉग बना रहे हैं और मैं अपना ही व्लॉग बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो इसके लिए प्लीज़ हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो आगे चलते हैं, मैं आपको कुछ साइनामेटिक्स जो है शॉर्ट्स देता हूँ, वो आप देख सकते हैं, इस मौसम को इंजॉय कर सकते हैं। तो ये सब देख के मेरे जहन में एक शेर याद आया कि उसके बाद प्रोग्राम जारी रहा या खत्म? नहीं नहीं, प्रोग्राम किधर जारी रहा, प्रोग्राम तो वड़ गया। तो यहाँ पर मैं पहुंच चुका हूँ, ये फार्म है, यहाँ पे गाय होते हैं, भैंसे होते हैं, लोग यहाँ से दूध लेते हैं और रिसर्च भी करते हैं। और ये आगे आप देख सकते हैं, मैंने उसको कहा कि दूध मिल सकता है, इसने कहा नहीं मिल सकता क्योंकि हमें अंदर जाना था, अंदर जाने नहीं दिया इन्होंने, क्योंकि आजकल पाकिस्तानी जो है कैमरे से बहुत डरते हैं, पता नहीं क्या है इस कैमरे में, लोग बहुत डरते हैं। और ये मुख्तलिफ किस्म के फल हैं यहाँ पर,
तो एक लंबे सफ़र के बाद हमने डिसाइड किया कि हमें वापस जाना है। और यहाँ पर क्या होता है, हमें एक दरवाज़ा आता है सामने, लेकिन वहाँ पे मोटरसाइकिल जो है वो नहीं जा सकती। बंदा जा सकता है लेकिन मोटरसाइकिल का कोई रास्ता नहीं था। दानियाल खान ने पूरी कोशिश की लेकिन नाकाम होता रहा बार बार, लेकिन हम भी पाकिस्तानी, हमने कोई ना कोई जुगाड़ तो करना ही है। हमें एक रास्ता मिला जहाँ पे बाइक जा सकता था, तो हम इस रास्ते से गए। हम बाइक पे बैठ गए और निकले अपने हॉस्टल की तरफ। मैं जा रहा हूँ अपने घर, लुकमान खान और दानियाल खान जो है वो अपने हॉस्टल जा रहे हैं। और लाइट जो है वो थोड़ी कम हो गई है, शाम होने वाला है इसलिए हमें जल्दी पहुँचना है। तो यहाँ पे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, कोई क्रिकेट खेल रहा है। यहाँ पे वो पुल आ गया जिस पे हम पहले गए थे, उसी रास्ते से हम आ गए। यहाँ पर हॉस्टल 7 आ गया है और इन लोगों ने हमारे पीछे नारे लगाए कि हमें भी व्लॉग में शामिल करो। तो मैंने इससे भी कैमरा पकड़ा और इसको भी अपनी वीडियो में शामिल किया। तो इतना प्यार हमें लोग दे रहे हैं, आप लोग भी दे सकते हैं। लाइक करो यार, अभी तो लाइक करो। तो अभी मेरा मूड था चाय पीने का, तो हम फारस बाज़ार में आ गए हैं। लेकिन फारस बाज़ार में इस शाम के वक्त इतना रश होता है कि गाड़ी तो क्या बंदा भी ठीक से नहीं जा सकता। तो आखिरकार हम पहुंच गए क्वांटा कैफे और यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं चाय की। तो चाय आ गई है, तो हमें आपसे यही उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं उसको ज़ोर से लाइक करें, शेयर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हाँ, एक वीडियो मेरी आने वाली है जिसमें मैं 3 लाख रुपए एक ही दिन में 24 घंटों में खर्च करने वाला हूँ। वो वीडियो आपने ज़रूर देखनी है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए, हमें इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।